अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ आपका चैप्टर वन का प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज लेक्चर टेन है आपका। और हमारे जो आज टॉपिक्स हैं जो हमने इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कवर करने की, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट और टेस्ट डाटा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर बुक। हाँ जी, बुक पर मैंने आपको कल ये सीरीज़ का थोड़ा बहुत बताया था तो के फार्मूला इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे हम लोग चलते हैं, ये एक्टिविटी आप लोग खुद रीड कीजिएगा, ठीक है, उसको पढ़िएगा, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये हमारे सामने आज एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में जो है आपके सामने जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हम लोग कर चुके हैं। ऊपर की जो एल्गोरिदम की जो नाइन एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको समझाई थी, उसमें से नाइन्थ जो एग्ज़ाम्पल है एल्गोरिदम की, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। उसी का जो सोल्यूशन है ये जो है दूसरे तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है दूसरे एल्गोरिदम में। तो आपने उसको समझना है, फिर आपने इसको समझना है। दोनों सूरतों में, दोनों इन दोनों एल्गोरिदम्स में सोल्यूशन एक ही आएगा लेकिन तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये दो एल्गोरिदम्स हैं तो इसमें से जो आपको बेहतर लगे आप इसको दोनों को आपने जो है इसको करना है, तैयार करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए और आपने इसको समझना है, ठीक है। सोल्यूशन दोनों का सेम ही है, यानी कि इवन नंबर्स को ये निकाल के लाएगा सामने, जो भी रेंज आपने चूज़ की भी हो एन वन से एन टू तक, ठीक है। आगे चलते हैं डिफरेंस बिटवीन, कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बीच में जो है डिफरेंस, ये इंतहाई जो है आप कह लेंगे इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है समझना और याद करना, जो इंतहाई आसान भी है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, वो यही है कि एल्गोरिदम की शक्ल में आप जो है किसी मसले को जो है हल करते हैं, किस शक्ल में जो है, तहरीरी शक्ल में, लिखी हुई शक्ल में, और फ्लो चार्ट की शक्ल में, तस्वीरी शक्ल में, ड्रॉ की हुई शक्ल में। मेन डिफरेंस तो ये है, लेकिन दोनों के स्टेप सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि बुक में क्या बताया गया है कि क्या डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है कि जो है पहले इन पर आप गौर करें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि इजी टू ड्रॉ करना इसको आसान है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके ज़रिए प्रॉब्लम को समझना भी आसान है क्योंकि तस्वीरी शक्ल में ये दिखाता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स को ढूंढना इसमें आसान है, ठीक है। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर, और इसमें आपको पता है कि एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ जो एक कनेक्शन है वो फ्लो लाइन के ज़रिए जो है वो जोड़ा जाता है। तो जो है फ्लो लाइन जो है वो एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ जो है दिखाती है कि क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है। तो इसमें जो है ऑब्जर्व करना उसको, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझना इसके ज़रिए जो है वो आसान है। डिसएडवांटेज क्या है कि मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लो चार्ट काफ़ी बड़ा है क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है, बिकॉज आप उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। आप किसी की फ्लो लाइन को किसी और के साथ आप करेक्ट, किसी और सिंबल के साथ आप कनेक्ट कर देंगे, एंड उसमें फिर मॉडिफाई करना भी मुश्किल है, उसको चेंज करना भी जो है वो मुश्किल है फ्लो चार्ट को, ठीक है। क्योंकि जहर सी बात है, जितना फ्लो चार्ट बड़ा है उतना ही उसका जो सोल्यूशन है वो डिफ़िकल्ट होगा, और जितना सोल्यूशन उसका जो है वो डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स होगा, लार्ज होगा, उसके अंदर तब्दीली करनी भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो वो तब्दीलियाँ मज़ीद गलतियों का सबब बन सकती है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर कि ये लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस और एल्गोरिदम, हाँ जी, ये है बड़े मसलों के लिए सूटेबल। एल्गोरिदम की शक्ल में आप बहुत बड़े जो है मसाइल को आप स्टेप्स की शक्ल में लिख के उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। ईजी टू राइट है, उसके बाद जो है ईजी टू अंडरस्टैंड है, सॉल्व प्रॉब्लम इसके ज़रिए होती हैं, लार्ज प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। टेक्निक्स इसमें काफ़ी इजी हैं, उनके ज़रिए आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी क्योंकि आप ये टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं दोनों, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर भी मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम 10 स्टेप्स का है और अगर आप लोगों ने जो है वो 9th स्टेप में कोई गलती होगी उसको चेंज करना है, या उसको अगर आप वैसे ही आप चेंज करना चाहते हैं थोड़ा सा तरीक़ेकार को फ्लो चार्ट के अंदर जो है एल्गोरिदम के अंदर, तो आपको पिछले तमाम स्टेप्स को चेंज करना पड़ेगा। सो जो है इसमें भी इतना आसान नहीं है चेंजिंग करना, ठीक है, लेकिन लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए इट इज़ बेटर ऑप्शन।
than the flow chart. Showing the flow from one step to other is not very easy. ये दिखाना कि एक step से दूसरे step में जो flow है ये काफ़ी easy नहीं है, बहुत सोच समझ के आपको ये बनाना पड़ता है, ठीक है. अभी तक आपने जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं वो तो इंतहाई आसान है, लेकिन आगे जब फील्ड में ऑन द ग्राउंड व्हेन जब ये इस्तेमाल होता है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जो कि इंतहाई बड़े कम्प्लेक्स और प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर इसमें जो है वो एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट करना इंतहाई जो है ये इंतहाई इंटेलेक्चुअलिटी का काम है. सो ये एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं. एक्सपर्ट ही हर एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्सपर्ट कोई उठ के आ जाता है, एक्सपर्ट जो है वो इन छोटे स्टेप्स को करते करते ही आप एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है. सो अभी आपकी स्टार्टिंग है तो अभी आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है. यूजेज ऑफ गो टू मेक्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर. गो टू का इस्तेमाल किसी भी एल्गोरिथम में मसले के हल को समझने के लिए मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि गो टू के इस्तेमाल से फ़ौरन क्या होता है कि अगर आप स्टेप टू पे हैं तो फ़ौरन से आप स्टेप नाइन पे चले जाएंगे. आपने पीछे गो टू पढ़ा है ना कि इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक पॉइंट से फ़ौरन कंट्रोल को यह ट्रांसफ़र कर देती है उठा के दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है. तो इसका कोई पता नहीं है, गो टू आप जहाँ यूज़ करेंगे जो उसके आगे लाइन नंबर देंगे ये उसी लाइन पे कंट्रोल को फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देगी, और इससे ये होता है कि पिछली की तमाम लाइंस अगर इग्नोर हो जाती हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है एरर को ढूंढना, क्योंकि आपको दोबारा से उसको फ्लो जो है एल्गोरिथम को आपको रीराउट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोबारा शुरू से, ठीक है. तो यूसेज ऑफ गो टू मुश्किल कर देता है इसके हल को. टेस्ट डेटा आज यहाँ से बच्चे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपने, हमने जो सोल्यूशन निकाला है उसको टेस्ट करना, सोल्यूशन को टेस्ट करना, डाटा को टेस्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेस्ट एंड चेक्ड जो है इन द अपकमिंग स्टेप्स. ये जो आपके स्टेप्स हैं ये टेस्ट करेंगे, डाटा को चेक करेंगे. तो गौर से अब आपने इसको समझना है. टेस्ट डाटा टॉपिक से ही जाहिर है, इसमें डाटा को टेस्ट किया जाना है. आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा. यानी कि सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है चेक करें कि हमारा जो डाटा है वो सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है. तो उसके लिए हम लोगों ने डाटा को जो है वो टेस्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम डिस्कस एल्गोरिथम डाटा को डिस्कस जो है वो टेस्ट करना चाहते हैं एल्गोरिथम को, ठीक है, जिसमें हमने तीन वैल्यूज़ में से कोई से भी लार्ज वैल्यू को फाइंड करना था और हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं n0 n1 एंड n2. तो फिर हम क्या करेंगे जो है वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो. तो फिर उसके लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, डाटा की. डाटा क्या है, n ये जो आपके सामने लिखा हुआ सच एज ब्रैकेट्स के अंदर n इज़ 0 इज़ इक्वल टू 5 एंड 1 इज़ इक्वल टू 15 एंड 2 इज़ इक्वल टू 3. इसमें जो 5 15 और 3 है ये क्या है, ये डाटा है, ठीक है. तो अब हम लोगों ने इसका क्या था, हमारे दिमाग में क्या लॉजिक थी कि हम लोगों ने कोई भी तीन वैल्यूज़ में से जो है हमने मालूम करना है लार्ज वैल्यू को, तो वह तीन वैल्यूज़ जो है वो हमारे माइंड में आते ही हम लोगों ने पहले वेरिएबल के नाम रखे n0 n1 n2 और उन फिर वेरिएबल्स में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यू हमने पुट कर दी और ताकि हम उसमें से फाइंड कर सकें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है. सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा. अगर हमने सोल्यूशन की टेस्टिंग करनी है तो फिर हम लोगों को डाटा को भी टेस्ट करना पड़ेगा, और डाटा भी ठीक होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है. जितनी जो आपको रेंज इन्होंने दे दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसी तरह अगली ब्रैकेट में भी वैल्यूज़ डिफरेंट है n0 n1 n2 की और नेक्स्ट में भी वैल्यूज़ डिफरेंट है, ठीक है. आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए चेक करने के लिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो या फ्लो चार्ट है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. नेक्स्ट बच्चे आते हैं एक्टिविटी की तरफ. तो यहाँ पर हमने समझ आ गई कि अगर हम लोगों ने सोल्यूशन को टेस्ट करना है तो हम लोगों को पहले डाटा को टेस्ट करना पड़ेगा. डाटा भी ठीक और सोल्यूशन तो ठीक होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर डाटा पुट करेंगे वो भी ठीक होना चाहिए, ठीक है, इनवैलिड नहीं होना चाहिए. जैसे मैं n0 लिख के आगे उसके a नहीं लिख सकती, b नहीं लिख सकती, क्योंकि फिर उसमें क्या कंपैरिजन होगा, a b c का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वैल्यूज ही कंपेयर की जा सकती हैं. सो डाटा नीड्स ऑल टू बी करेक्ट, ठीक है. उसके बाद चलते हैं एक्टिविटी हमारे पास है ये वाली. एक्टिविटी में आपको आपके लिए टास्क छोड़ रही हूँ एक अच्छा सा, क्योंकि इसमें एक आजकल के मॉडर्न स्कूल के बारे में बताया गया है कि उसमें कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, आपकी तस्वीर ले ली जाती है, आपका यूनिफॉर्म चेक होता है सर्दियों में गर्मियों में. तो आप लोगों ने मज़ीद इसके बारे में मुझे बताना है या आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों ने पॉइंट्स लिखने हैं कि किस तरीके से जो है ये कैमरा जो है ये स्टूडेंट्स को मज़ीद ऑथेंटिकली चेक करे ताकि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं
या नहीं है। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़िएगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसके मज़ीद आप पॉइंट्स को निकालेंगे। ये आप एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि गर्मियों में और सर्दियों में जो है स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म पहनता है उसके बारे में। क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग होनी है तो आपका आईडी कार्ड, आपका जो है स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, आपके हेयर कट, आपके जो है वो ड्रेस, आपका बैज और आपके शूज़, शू कलर, हर चीज़ ये कैमरा चेक करेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली, अगर आपका यूनिफॉर्म जो है वो रेगुलर है, सही है, तभी आपको ये एंट्रेंस देगा। वरना आपका नाम जो है, वरना जो है आपका नाम उन स्टूडेंट की लिस्ट में ये शामिल कर देगा जो इरेगुलर है, ठीक है। और इसमें मज़ीद उन्होंने कहा कि ऐसे पॉइंट्स बताएं जिसके ज़रिए इस चेकिंग को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या क्या चेक करना ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए आपके जो है यूनिफॉर्म में, तो आपने इन पॉइंट्स को ख़ुद आपने सोचना है, समझना है और करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब तक के लिए बचे, अल्लाह हाफिज़।